चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान, आरिफ अलवी और अजहर तारिक की जांच से दायर की गई दरख्वास्त में मौकफ इख्तियार किया गया है कि इंतखाबी इस्लाहात एक्ट के तहत तारकीन वतन को वोट के लिए बंदोबस्त नहीं किया गया। एक्ट के मुताबिक जमीनी इंतखाबात में समंदर पार पाकिस्तानियों की वोटिंग का तजुर्बा करना था। दो जमीनी इंतखाबात हुए लेकिन इलेक्शन कमीशन ने तारकीन वतन की वोटिंग का बंदोबस्त नहीं किया। दरख्वास्त में यह भी कहा गया है कि पीटीआई के वॉकआउट पर इंतखाबी इस्लाहात एक्ट जल्दबाजी में पास किया गया। तहरीक इंसाफ ने 11 अप्रैल को तरामीम पेश की जबकि कानून के हतमी मसूदे पर तहरीक इंसाफ ने दस्तखत नहीं किए। तहरीक इंसाफ ने इंतखाबी इस्लाहात एक्ट के हक में वोट नहीं दिया। दरख्वास्त में कहा गया है कि आइन तमाम पाकिस्तानियों को वोट का हक देता है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि अदालत समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक देने के लिए अपने फैसले पर अमल दरामद करवाए। इलेक्शन कमीशन और वफाक को तारकीन वतन को वोट का हक देने का हुक्म दिया जाए। दरख्वास्त में यह भी इस्तदा की गई है कि आइंदा आम इंतखाबात में तारकीन वतन को वोट का बुनियादी हक फराहम किया जाए। तहरीक इंसाफ की जानिब से दायर दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन और वफाक को फरीक बनाया गया है।